जिला कुल्लू के ढालपुर में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दरअसल ये आग सब्जी की दुकानों में लगी थी, जिसके साथ ही एक चाय की दुकान भी थी जिसमें गैस सिलेंडर रखे हुए थे। जैसे ही आग भड़की तो गैस सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने के धमाके से आसपास के लोग सहम गए। मौके पर करीब 4 सिलेंडर पाए गए, जिनमें से एक सिलेंडर ठीक था। आग लगी हुई, जब तक मैं यहाँ पहुँचा था तब तक फायर वालों ने 80% आग जो बुझा दी थी, और इसमें 5-6 दुकानदारों का नुकसान हुआ। टोटल नुकसान कम से कम 40-50 लाख का हुआ है। तो इनको फौरी रात वगैरह हम सुबह देंगे, पर अभी तक जान माल का कोई और इनका नुकसान नहीं हुआ है। दुख घटना है, हमारे सामने एक सिलेंडर जो है बिल्कुल जिंदा निकाला, जिसके चारों तरफ आग जल चुकी थी। उनको जब फायर वालों ने आग बुझाई तो वह फटते फटते बचा हुआ है। बाकी 2-3 सिलेंडर जो धमाके जो पूरे बाजार में सुनाए दिए, तो वो जो है इसमें कोई घटना का अप्रिय घटना जो है मानव वगैरह की। लगभग 1 घंटे पहले की ये घटना है। घर में सुल्तानपुर में एक धमाके की आवाज़ आई पहले, और बहुत बहुत लंबी लंबी आग की लपटें यहाँ थी जल रही, और पेड़ों तक ऊपर आग लगी हुई थी। पहले एक धमाका हुआ, फिर दोबारा धमाका हुआ। जैसे ही धमाकों की आवाज़ आई, काफ़ी यहाँ आग लग चुकी थी। और हम सुभाष जी और हम सुल्तानपुर से यहाँ जब तक पहुँचे, तो यहाँ देखा कि फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे पहुँच चुके थे। मगर हम जी हम तो घर में सोए हुए थे, जैसे ब्लास्ट की आवाज़ सुनी उसके बाद तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देखा कि बहुत गंभीर आग लगी हुई है, बहुत ही भयानक आग थी। फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई टाइम पे, तो मानते हैं टाइम पे अच्छा काम कर रही है। पर प्रशासन को वैसे भी रात को गश्त उठाते रहना चाहिए जी, जिस कारण इतनी छोटी जैसी चीज़ अगर हुई थी तो उसको इतना भयानक रूप लेने के लिए समय लगा होगा। इतना समय लगने की जरूरत नहीं थी। अगर गश्त होनी चाहिए, गश्त हम बोलते प्रॉपर रूप तौर पे होनी चाहिए जिला जी। और भी दुकानें हैं, आने वाले समय में कई भी दुकानों में आग लग सकती है, तब क्या करेंगे। ये तो आज चलो 4-5 दुकानों में बेचारों का तो कुछ भी नहीं रहा अस्तित्व। देखो ये दुकानें गलती है, अबले जी की गलती है, ये सब कुछ अभी भी आग जल में रुक रहे का नाम नहीं लगी है। वृक्ष तक जल के है, ऊपर तक हमने आपको बता दी कि ये आग सब्जी की दुकानों में लगी थी। साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी थी, जबकि एक अन्य दुकान भी जलकर राख हो गई। इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।